हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यहाँ पर 10th और 12th के रिजल्ट को लेकर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जितने भी यहाँ पर छात्री हैं, जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, जो कि जिन लोगों ने 10वीं का भी एग्ज़ाम दिया है और 12वीं का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पर मैं अपडेट देने वाला हूँ कि आपके जो है रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये जो पेपर की कटिंग है ये कल की है और बिल्कुल लेटेस्ट है। आपने देखे होंगे कि यहाँ पर कि बहुत सारे अखबारों के माध्यम से ये बताया गया है कि 27 अप्रैल से पहले आएगा 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट। समय से पहले मूल्यांकन पूरा करने के बाद बोर्ड ने तेज़ तैयारी की है। आधी रात तक परिणाम बनवाने में स्वयं जुटे थे सचिव। तो यहाँ पर जो सचिव हैं, इसके सेक्रेटरी, और जो खुद जो है काफ़ी सीरियस मूड में है और जो एग्ज़ाम और रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी यहाँ पर तैयारी उनकी चल रही, अच्छे से चल रही है। 5 अप्रैल को परिणाम घोषित होने की अफवाह थी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 5 अप्रैल को घोषित होने की अफवाह वायरल हो रही है। शरारती तत्वों ने यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल के हस्ताक्षर से एक विज्ञप्ति वायरल की थी, जिसमें 5 अप्रैल को 2 बजे हाई स्कूल और 4 बजे इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित होने की बात कही गई थी। हालांकि इसकी जानकारी होने के तत्काल बाद सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने विज्ञप्ति जारी कर फर्जी सूचना वायरल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। सचिव का कहना है कि उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया है, इसका संज्ञान न लिया जाए। दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि किस वर्ष कब आया परिणाम, उसका जो है कुछ यहाँ पर अनुभव है जो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। जब दोस्तों 2022 की जो है परिणाम आते थे 18 जून को आया था, 2021 में 31 जुलाई को आया था, 2020 में 27 जून को आया था, 2019 में 27 अप्रैल को आया था, 18 में 19 अप्रैल को आया था, जून मतलब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप जून अप्रैल ठीक है, जुलाई में जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, ठीक है। और जो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अप्रैल की जो पॉसिबिलिटी है वो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी दिख रही है कि अप्रैल में जो है इस हिसाब से जिस हिसाब से बात कही गई है 27 अप्रैल से पहले आएगा रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो अप्रैल में रिजल्ट नहीं आ पाया तो दोस्तों मई में जो है 100% यहाँ पर रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मई के प्रथम सप्ताह में या फिर 25 से 30 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। फिलहाल दोस्तों आज आपको पता ही है कि 4 अप्रैल है और आज का जो न्यूज़ है दोस्तों यही है कि प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों से गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं। कई केंद्र व्यवस्थापकों ने OMR सीट भेजने के बजाय काउंटर फाइल भेज दिए, उसका मिलान कराते हुए रिजल्ट अपडेट कराया जा रहा है ताकि परिणाम अपूर्ण न रहे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो अभी न्यूज निकल कर आई है कि समय से पहले मूल्यांकन पूरा करवाने वाला यूपी बोर्ड अब की रिजल्ट देने में रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। पिछले 12 सालों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम सबसे जल्द 2019 में 27 अप्रैल को घोषित किया गया था। सूत्रों के मानो तो इस बार 27 अप्रैल से पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ सकता है। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल का स्वयं आधी रात तक परिणाम बनवाने में जुटे हैं और इतने इतने सेंटर में प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय में अपर सचिवों से गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं। कई केंद्र व्यवस्थापकों के ने OMR सीट भेजने के बजाय काउंटर फाइल भेज दिए, जिसका मिलान कराते हुए रिजल्ट अपडेट कराया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट आई है और इसमें जो है साफ साफ जाहिर है, और उसके यहाँ पर आपको बताया कि 258 केंद्रों पर हाई स्कूल की लगभग 1.86 करोड़ तथा इंटरमीडिएट के 1.33 करोड़ कुल 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 31 मार्च को पूरा हो गया है। दोस्तों 31 मार्च को ही आपका जो है मूल्यांकन कंप्लीट हो गया है, अब बस रिजल्ट की तैयारी है, अपलोडिंग काम चालू है, बस ये देखना है कि कितनी जल्दी जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपडेट मैं आपको देता रहूँगा।